बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 9,000 लगभग 600 लोग मरे हैं, सभी ने आत्महत्या किया है। तो फिर ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस क्यों रहती थी, भीड़ क्यों लगती थी, एक एक ऑक्सीजन का जो कालाबाजारी चल रहा था 10 लीटर 12 लीटर का, 20,000 30,000 40,000 50,000 लोग रेट में लोगों ने खरीदा है। दवाई की कालाबाजारी चल रही थी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी चल रही थी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बयान के बाद सियासी उठापटक तेज हो गई है। आपको बता दें कि मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के कमी के कारण एक भी मौत नहीं हुई है, और यही कारण है कि अब विपक्ष की तरफ से लगातार हमले भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव के पास तो हजारों ऐसे लोग पहुंचे जिनको ऑक्सीजन की कमी थी, यहां तक कि पप्पू यादव दिन रात एक करके उनकी मदद कर रहे थे और लगातार अस्पतालों तक जा जाकर ये देख रहे थे कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो फिर अगर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी, तो फिर ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें क्यों सामने आई? और सिर्फ खबरें ही नहीं, असल में ही बिहार में कोरोना काल के समय ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी। इसी मुद्दे पर क्या कुछ कहना है राजू दानवीर का, आप उनके पूरे बयान को सुनिए। केंद्र सरकार के इस तरह के बेतुके बयान से तो यही साबित होता है कि कोरोना के दूसरे लहर में जितने लोगों की जान गई, लाखों लाख लोगों की जान गई, सभी ने आत्महत्या की है, कोई भी ऑक्सीजन बिना नहीं मरे हैं। क्या बात है, पप्पू यादव पागल थे जो हॉस्पिटलों में घूम घूम कर ऑक्सीजन और दवाई पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे। यहाँ बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में 9,000 लगभग 600 लोग मरे हैं, सभी ने आत्महत्या किया है। तो फिर ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस क्यों रहती थी, भीड़ क्यों लगती थी, एक एक ऑक्सीजन का जो कालाबाजारी चल रहा था 10 लीटर 12 लीटर का, 20,000 30,000 40,000 50,000 लोग रेट में लोगों ने खरीदा है। दवाई की कालाबाजारी चल रही थी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी चल रही थी, हर वो चीज़ जो स्वास्थ्य से रिलेटेड था, हर 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 का रेट जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका था। क्या जवाब देगी? पप्पू यादव जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल से लेके शमशान तक लोगों को मदद करने में लगे हुए थे, अन्यथा कोई मंत्री विधायक और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखा। और ऊपर से इस तरह का बेतुका बयान, अभी टोल फ्री नंबर आप जारी कर लीजिए और उस पर आंकड़ा ले लीजिए। आपको मैं बता दूं कि 99% लोग ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाई के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में और हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिए ना। आज आपने जनता को बता दिया है कि आप सही में जुमलाबाज हैं, आपका बयान का कोई भी अवस्थर नहीं रहा। अब एक तो जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, तो एक इंजन ने यह बयान दिया तो अगला इंजन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, चुप है, क्योंकि वो जानती है कि क्या हालात थे बिहार के और क्या हालात अभी हैं। तीसरी लहर की भी यहाँ कोई तैयारी नहीं है, कहीं भी वेंटिलेटर प्रचुर मात्रा में नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, दवाई नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सामग्रियाँ जो हैं वो नहीं हैं। और इस तरह का बयान देख के कहीं ना कहीं आपने जनता में एक आक्रोश पैदा कर दिया है। जनता भी अब जान चुकी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चल चरित्र कैसा है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से जो बयान दिया गया, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष की तरफ से उनसे
सवाल पूछे जा रहे हैं और उस मुद्दे को लेकर उन पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने भी कहा है कि लगातार पप्पू यादव जनता की मदद कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, दिन रात अस्पताल में जाकर ये देख रहे थे कि कहीं भी किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई भी कमी ना हो। इतना ही नहीं, राजू दानवीर ने तो ये भी कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर क्यों ऑक्सीजन को बाउंसर की सुरक्षा दी गई। तो इन तमाम बातों के बाद ये साफ जाहिर होता है कि इस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से बयान दिया गया है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।